हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। एक तो था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी भी बोलते हैं। थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर क्या फॉर्मूलाज आपको लगाने हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, इसी में ही अगर आप मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड, और यहाँ डब्ल्यू वन इन ग्राम्स। तो यहाँ से आप एम टू भी निकाल सकते हैं। एम टू क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिसोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सब्सटेंस कितना है, 10 ग्राम, कितने वाटर के अंदर इसको डाला है, वो है 100 ग्राम। रेज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.98 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज हो जाता है, 0.98 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि मोलिकुलर वेट निकालिए सब्सटेंस का, एम टू आपको फाइंड आउट करना है, और के बी की वैल्यू गिवन है वाटर के लिए 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि डेल्टा टी बी, और एक मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा डेल्टा टी एफ, उसमें आपको क्या करना है, टेम्परेचर की यूनिट चेंज नहीं करने, क्योंकि हमें बेसिकली डिफरेंस लेना है टेम्परेचर का। तो वो आप केल्विन में लेंगे तो भी उतना आएगा, और यदि आप सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो भी उतना आएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। यहाँ से एम टू क्या आ गया, के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन इन ग्राम्स। तो के बी कितना है, 0.52, डब्ल्यू टू कितना है, 10 इंटू थाउजेंड बाई डेल्टा टी बी ये कितना है, 0.98, और डब्ल्यू वन कितना है, 100। सारे को सोल्व कर लो तो एम टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 53.06 ग्राम पर मोल। ये आपके पास M2 आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको ये बोला है 0.4650 ग्राम कैम्फर। ठीक है, इसको डिसोल्व किया 31.4 ग्राम एसीटोन में। ठीक है, कैम्फर का मोलिकुलर वेट गिवन है 152 ग्राम, और प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट होता है जो सॉल्वेंट का, 56.30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। यहां पे आपको दे रखा है के बी 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम। तो बोला है आपको कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे।
आपको W2 क्या दे रखा है, 0.4650 ग्राम, M2 क्या दे रखा है, 152 ग्राम, W1 क्या दे रखा है, 31.4 ग्राम, और KB दे रखा है 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम। तो जो हमारा फॉर्मूला है ना, देखो वहाँ पे यहाँ क्या है 1000, तो अब यहाँ पे आपको 100 दे रखा है। जैसे ये KB की वैल्यू देखो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पर मोलल था, मोलल का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। तो अब यहाँ 1000 की जगह 100 आ जाएगा फिर। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करिए और डेल्टा TB निकालिए। डेल्टा TB आ गया KB इंटू W2 इंटू 1000 की जगह 100 बाय W1 और इंटू M2। ये सारा सोल्व किया तो डेल्टा TB आ गया 0.16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस TB नॉट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ से TB क्या आ गया, डेल्टा TB प्लस TB नॉट। तो TB नॉट आपको दे रखा था 56.3 और डेल्टा TB आपने निकाला 0.16, तो ये आ गया 56.46 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे तो ये दो तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है आपका डेल्टा TF, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, सेम ही तरह का फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल इसके भी करवा देता हूँ। फॉर्मूलाज क्या लगेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, और वही डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2, ठीक है। और डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, TF नॉट माइनस TF, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाता है। तो यहाँ से देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, 1.20 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या क्या दे रखा है, W2 इज इक्वल टू 1.20 ग्राम, ये 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, तो W1 आ गया 100 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, मतलब डेल्टा TF दे रखा है 0.37 डिग्री सेल्सियस। मोलिकुलर वेट निकालिए, यदि आपको KF की वैल्यू दे रखी हो 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए। M2 क्या है, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू में W1। तो KF कितना है 1.86, W2 कितना है 1.20 इंटू 1000, डेल्टा TF क्या है 0.37 और W1 कितना है 100। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 60.3 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आ। इसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। आपको बोला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट, टी बी दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट 100.128 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन क्या है यूरिया इन वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो सेम सोल्यूशन का, और क्या क्या दे रखा है, के एफ 1.86 डिग्री सेल्सियस और के बी 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। आप देखो सेम सॉल्यूशन का निकालना है, सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वही रहेगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे मोलैलिटी, तो ध्यान दो ज़रा। देखो जो चीज़ आपको दे रखी है उसी से सोल्व होगा। टी बी आपको दे रखा है 100.128 डिग्री सेल्सियस, ये सॉल्यूशन है इसका। आपको मालूम है वाटर है, तो वाटर के केस में टी बी नोट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बी कितना आ गया 0.128 डिग्री सेल्सियस, है ना। के बी कितना दे रखा है 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो, वो आ गई 0.128 बाय 0.512 0.25। ठीक है, अब आपको और क्या दे रखा है, देखो मोलैलिटी आपको मालूम हो गई, के एफ आपको मालूम है कितना है, आपको दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लो, वो क्या होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ 1.86 इंटू 0.25, तो डेल्टा टी एफ आ गया आपके पास 0.465 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको मालूम है डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी एफ नोट माइनस टी एफ। आपको क्या निकालना है टी एफ, तो टी एफ क्या हो गया डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नोट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहां, ये हो गया टी एफ नोट माइनस डेल्टा टी एफ। तो अब देखिए ध्यान से, टी एफ नोट कितना है वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी एफ कितना हो गया ये आपने जो निकाला है, तो सॉल्यूशन कितने पर फ्रीज होगा इतने डिग्री सेल्सियस। और अब वो हिलता है, देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं एक, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, देखो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपके पास हो सकता है यूजिंग एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है नॉर्मल मेथड भी, हम सभी एटम्स का मास ऐड कर दें तो वो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं ना वो डिफरेंट आते हैं, इसी को ही हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इसी को करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था वांट हो फैक्टर निकाला था हमने आई, वो क्या होता है नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास। नॉर्मल क्या होता है जो आप सिंपली एडिशन से निकालते हैं, और एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड जो है वो क्या होता है जो हम यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, या फिर आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल देखिए,
जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि फिनोल फॉर्म्स डाइमर इन एक्वस सॉल्यूशन। फिनोल क्या होता है? C6H5OH, और ये क्या करता है? डाइमर बनाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। 0.6677 ग्राम फिनोल, 0.6677 ग्राम फिनोल वाज डिजोल्ड इन 35.5 ग्राम वाटर। इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, मतलब डेल्टा टी एफ, 0.215 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.85 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। इन्होंने बोला है कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनोल, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनोल, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन समझिए कैसे होते हैं। जो चीज़ आपको दे रखी है ना, वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लो। M2 कितना आ गया? के एफ 1.85, W2 0.6677 इंटू 1000, डेल्टा टी एफ 0.215, और W1 कितना है? 35.5। तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ गई 161.84। अब देखिए, एक तो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको मालूम है फिनोल का फॉर्मूला ये है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। 6 कार्बन है, कार्बन का 72, 6 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन है। सारे को जब जोड़ दोगे तो ये आ गया 94। अब देखो, ये 94 है, ये 162 के आसपास आ गया, तो फर्क है ना दोनों में। यही है एब्नॉर्मल मास, ठीक। अब यहाँ से निकालो आई, वांट हो फैक्टर, ये क्या आ गया? नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास, तो आई की वैल्यू आ गई 0.581। अब आई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रही है, और आपको क्वेश्चन में भी पूछा है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताओ। तो अब आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा क्या होता है? आई माइनस 1/(n-1) डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला होता है। अब आई की वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी वो आप स्टेटमेंट में देखो। यहाँ लिखा गया है कि फिनोल फॉर्म्ड डाइमर इन सॉल्यूशन, डाइमर, तो एन इज इक्वल टू 2, तो अल्फा निकाल लो। आई माइनस 1/(1/2) मतलब 0.5-1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.838। तो परसेंटेज एसोसिएशन क्या आ गई आपके पास? 83.8%, मतलब फिनोल इतने परसेंट तक एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, एक और क्वेश्चन देखिए। एक सॉल्यूशन है आपके पास 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम वाटर। सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है TB 100.975 डिग्री सेल्सियस पे।
के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगेन अब देखो आपको टी बी दे रखा है, डेल्टा टी बी निकाल लो। डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, 100 इसमें से माइनस कर लो, ये हो गया। तो मोलिकुलर वेट निकाल लो M2 KB इंटू W2 इंटू 1000 बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। पुट करो सारी वैल्यूज, KB इंटू W2 इंटू 1000 बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। तो M2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 65.6 ग्राम पर मोल। और आपके पास है कैल्शियम नाइट्रेट, इसका M2 निकाल लो। कैल्शियम का कितना होता है 40, नाइट्रेट का कितना है 16 थी 48 और 14 62, तो ये हो गया 124। सारे को ऐड करो 164 हो गया। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, अगेन अब नॉर्मेलिटी है तो आई निकालो। आई कितना हो गया, नॉर्मल मास बाय एब नॉर्मल मास, आई की वैल्यू आ गई 2.5। अब आई की वैल्यू मोर देन 1 है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो कैल्शियम नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होता है, कैल्शियम आयन प्लस 2 नाइट्रेट आयन्स, मतलब 3 आयन्स बनाता है ना ये, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फॉर्मूला लगाओ अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये फॉर्मूला होगा। आई कितना है 2.5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो कितना आ गया ये आपके पास 1.5 बाई 2 0.75 परसेंटेज आ गई आपके पास, 75% डिसोसिएशन, ठीक है। ये है वांट टू फैक्टर। तो ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आप भी ट्राई कीजिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।